झारखंड में ईडी कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बताएं कि ईडी ने पूछताछ के लिए कई और रक्षकदारों को समन भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बरहरवा टोल प्लाजा मामले के जांच अधिकारी शरफुद्दीन खान के अलावा बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को समन जारी किया है। दोनों को आज एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने पंकज मिश्रा के ड्राइवर सूरज पंडित और चंदन यादव को भी तलब किया है। एजेंसी ने उन्हें 6 दिसंबर और अगले दिन पेश होने का निर्देश दिया है। बता दें आपको कि सूरज पंडित और चंदन यादव को ईडी ने पकड़ा था और साथ ही इन दोनों ही पर यह आरोप है कि इन्होंने फोन कॉल करने के लिए पंकज मिश्रा को अपना फोन मुहैया कराया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोहन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहन, ईडी की तरफ से अब पूछताछ की जाएगी, क्या कुछ अहम अपडेट मिल पा रही है? देखिए, झारखंड में जो ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अवैध खनन मामले की जांच कर रही है, तो ईडी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईडी कई लोगों से पूछताछ कर रही है। आज का दिन कहा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए कि ईडी ने आज रांची जेल के जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को ईडी के रीजनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया है। और ये हामिद अख्तर को ईडी का ये सेकेंड नोटिस है। जब पहला नोटिस हामिद अख्तर को दिया गया था तो हामिद अख्तर ईडी के रीजनल ऑफिस में पूछताछ के लिए नहीं पहुँचे थे, तो ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए उनको सेकेंड नोटिस जारी किया है। और सेकेंड नोटिस जारी करके आज के दिन उनको ईडी के रीजनल ऑफिस में तलब किया गया। अब देखना है कि आज भी हामिद अख्तर ईडी के रीजनल ऑफिस में आते हैं कि नहीं आते हैं। हामिद अख्तर पर आरोप है कि जो ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को जो अरेस्ट किया था और ईडी के कस्टडी में रहते हुए वकालतनामे पर अमित अग्रवाल का सिग्नेचर जो बात सामने आई थी, तो अब ईडी हामिद अख्तर से ये जानना चाहती है कि ईडी के कस्टडी में होते हुए भी आखिर अमित अग्रवाल ने वकालतनामा पर सिग्नेचर कैसे किया, आखिर पूरा मामला कैसे हुआ। तो ये बात जानने के लिए ईडी ने जेल अधीक्षक को आज रीजनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया ईडी। और इसके अलावा कहा जाए तो ईडी हामिद अख्तर से उस बात की भी जानकारी ले सकती है जो सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा रांची के रिम्स में भर्ती हैं और रिम्स ने पंकज मिश्रा को डिस्चार्ज कर दिया है, तो अब तक वो जेल क्यों नहीं पहुंचे हैं। और इसके लेकर ईडी के जो अधिकारी हैं कल रिम्स गए हुए थे और रिम्स के डॉक्टरों से और डिस्चार्ज पेपर के पूरी जाँच किया गया कि डिस्चार्ज होने के बाद भी पंकज मिश्रा रिम्स में अभी भी एडमिट हैं, उनको जेल नहीं भेजा गया है। तो जेल अधीक्षक से इस बात की भी जानकारी ली जा सकती है कि क्या रिम्स प्रबंध ने आपको जानकारी दी है कि नहीं दी है कि पंकज मिश्रा को रिम से डिस्चार्ज कर दिया गया है, उसके बावजूद भी जेल के तरफ से पंकज मिश्रा को जेल में शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। तो कई सवाल है, कई सवालों के जवाब ईडी जानना चाहती है। इसके अलावा पंकज मिश्रा के जो दो ड्राइवर हैं ईडी के अधिकारियों ने उन्हें कल ईडी के रीजनल ऑफिस में बुलाया है और कई लोगों से ईडी में पूछताछ करेगी, लेकिन आज कहा जाए तो सिर्फ जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को ईडी के रीजनल ऑफिस में बुलाया गया है, उनसे पूछताछ करना है। लेकिन सबकी निगाह है कि जेल अधीक्षक हामिद अख्तर ईडी के रीजनल ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। जी, शुक्रिया सोहन आपका तमाम जानकारी के लिए।